विक्रांत के पास चलते हैं क्योंकि वहां से बहुत दिलचस्प तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। जश्न मनना तो विक्रांत सुबह ही शुरू हो गया था, पहला रुझान भी नहीं आया था, अब क्या हो रहा है वहां पर? देखिए, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर शंख ढोल ताशे और ये जलेबी आ गई। देखिए जलेबी आ गई, ये इमरती जलेबी। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि लाडू भी चालेगा तो जलेबी भी चाल लेगी। जलेबी की सियासत हरियाणा में बहुत महत्वपूर्ण रही। राहुल गांधी ने जलेबी का जिक्र किया, जलेबी की फैक्ट्री का जिक्र किया, जिसके बाद नायब सिंह सैनी ने तंज कसा तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जलेबी मंगवाई है। और अब माथुराम हलवाई, देखिए वही माथुराम हलवाई जिसकी जलेबी राहुल गांधी खरीद कर लाए थे अपनी बहन प्रियंका के लिए, वही माथुराम हलवाई की जलेबी यहाँ पर है। आप देख सकते हैं इमरती भी यहाँ पर है, शंख है, ये है, ढोल है और कांग्रेस के कार्यकर्ता है। बहुमत का आंकड़ा पाती हुई दिखाई पड़ रही है हरियाणा में कांग्रेस, और जम्मू कश्मीर में बहुमत के आंकड़े के करीब है। क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ मोहब्बत की दुकान में पूरा हरियाणा बैठ गया है, जम्मू कश्मीर बैठ गया, पूरा भारत बैठा। राहुल गांधी को जनता पसंद कर रही है, सच बोल रहे हैं, सच का झंडा ले रहे हैं, जनता की बात करें, किसान महिला मजदूर सबको साथ लेकर चल रहे हैं। लाडू चलेगा, जलेबी चलेगी, जलेबी चलेगी, चल रही है, चल रही है, पूरी बहुमत से चल रही है। जी जलेबी इसलिए बांट रहे हैं क्योंकि मिठास खोलनी है हमें, और मोदी जी को समझना चाहिए। राहुल जी ने कहा था जलेबी की फैक्ट्री खोल देंगे, मतलब मोहब्बत की दुकान खोल देंगे, लोगों के मन में मिठास खोल देंगे, और वो गुल चुका है, पूरा खुशनुमा माहौल ही सकते हैं। सीसी कार्यालय के बाहर हरियाणा से देश भर से लोग आ रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। इन बेटियों को मिलेगा क्योंकि इनके साथ अन्याय हुआ है इस हिंदुस्तान में, एक पहला अन्याय इन बेटियों के साथ हुआ। क्या कहेंगे? राज आ रहा हरियाणा में, ऐसा दिखाई पड़ रहा है रुझानों में। भारतीय जनता पार्टी की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जनता ने जनादेश दे दिया है। ये देखिए आप, यहाँ ढोल भी बज रहे हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जी विक्रांत, तो जश्न मनाया जा रहा है, जलेबी बांटी जा रही है, लेकिन बड़ी खबर क्या है, बड़ी तस्वीर क्या है, वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीर हरियाणा की, 90 की 90 सीटों के रुझान सामने हैं आपके, और देखिए 67 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आ गए तो 21 पर बीजेपी, INLD एक सीट पर, अन्य के खाते में एक सीट, लेकिन बाकी तमाम दलों का, JJP का, आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ फिलहाल दिखाई दे रहा है रुझानों में। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो यहां पर अभी सभी सीटों के रुझान सामने नहीं आए हैं, 78 सीटों के रुझान सामने हैं जिसमें 45 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी आ गए हैं, 6 सीटें अन्य के खाते में जा रही हैं, PDP के पास 2 सीटें हैं और BJP के पास 25 सीटें हैं इन रुझानों के मुताबिक। तो ये तस्वीर फिलहाल जम्मू कश्मीर की दिखाई दे रही है जम्मू कश्मीर में, लेकिन 6 निर्दलीय हैं जो अपनी अपनी सीट से आगे चल रहे हैं, 45 जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी को, बशीर साहब। लेकिन आप लगातार ये कह रहे थे और ये बात कही भी जा रही थी कि बीजेपी को उम्मीद ये है कि जम्मू में वो ज्यादा सीटें जीतेंगे और फिर वो कोशिश करेंगे कि घाटी से उन्हें कुछ सीटें मिल जाएं, लेकिन यहां जम्मू में ही उन्हें बड़ा सेटबैक है। जम्मू में जो बिजनेस कम्युनिटी है उसके अलावा और कौन से फैक्टर्स हैं जो बीजेपी के खिलाफ काम कर रहे हैं, अगर इसी आंकड़े को देखें तो? मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दूंगा दोनों जम्मू और कश्मीर घाटी के हवाले से। जी, जम्मू घाटी में जो बीजेपी को मिल रहा है ये बीजेपी को नहीं मिल रहा है, दीज आर ऑल द पीपल हु हैव कम फ्रॉम, हु हैव क्रॉस्ड फ्रॉम कांग्रेस टू बीजेपी। इस वक्त बीजेपी ने, इनको ये रियलाइजेशन थी, इस वक्त बीजेपी ने अपने जो इनके पार्टी के एफिलिएट्स जो हैं उनको इन्होंने पीछे कर दिया। पिछली बारी जो सांसद थे उनमें से मेजॉरिटी को उन्होंने निकाला और कांग्रेस से जो आए हुए लोग हैं वो आए हैं, वही इस वक्त लीड कर रहे हैं। इसके बावजूद कि प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, बीजेपी अध्यक्ष, सारे लोग जम्मू में कैंप डाले हुए थे। इसके बरकस आप श्रीनगर जाइएगा, कश्मीर वैली, कश्मीर वैली में बाय एंड लार्ज दिस इज ए लीडरलेस इलेक्शन, जहां पे उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती कैंपेनिंग करने नजर ही नहीं आए क्योंकि वो बहुत ही डर रहे थे, अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सीमित थे। वहाँ पे इंडिविजुअल बेस्ड इलेक्शन है, जिस इंडिविजुअल की जितनी ना लोकप्रियता है वो इतना आगे जा रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस में डेफिनेटली वो एज है उसमें। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इतनी भी सीटें जम्मू में कांग्रेस बीजेपी को नहीं मिलती अगर उन्होंने जो दल बदल कर उनके पास आए थे उन्हें टिकट ना दिया मिलती होता, यानी जिसके लिए नाराजगी हो रही थी उसकी वजह से बीजेपी को फायदा हो रहा है या उसकी वजह से नुकसान हो रहा है? उसकी वजह से फायदा हो रहा है,
अगर उन्होंने अपने ही लोगों को रिपीट किया होता तो इतनी सीट्स नहीं मिलती ये भी नहीं मिलती, आपका कहना है। देखिए और देखिए तस्वीर देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, 62 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे, बीजेपी 22 पर आगे, INLD 2 पर आगे, INLD अभी तक एक सीट पर आगे चल रही थी, अब एक सीट पर आगे बढ़ी है। जम्मू कश्मीर में भी देखिए कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन अब बहुमत से आगे बढ़ गया है, 48 सीट पर पहुंच चुका है, 30 सीटों पर बीजेपी आगे है। तो ये तस्वीर जम्मू कश्मीर की। लेकिन संजीव जी आप उस वक्त हरियाणा के बारे में बात करें तो, और हरियाणा इस वक्त हम जम्मू कश्मीर का आंकड़ा दिखा रहे हैं, पहले जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर यह कहा जा रहा था 30 पर बीजेपी आ गया है, यानी जम्मू में वो कुछ बड़ी है, जम्मू में उसकी सीटें बड़ी हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी 48 पर, यानी बहुमत से आगे फिलहाल रुझान में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, यानी एक क्लियर पक्ष में दिखाई दे रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के रुझानों के मुताबिक। देखिए रिजल्ट्स एक तो बहुत एक्सपेक्टेड लाइंस पे हैं, सबको ये आइडिया था कि NCA और कांग्रेस का गठबंधन स्ट्रांग है, वहाँ पे सिर्फ एक डिबेट ये थी कि अगर कांग्रेस अपने दम पे लड़ती तो शायद इस गठबंधन से बेटर परफॉर्म करती, क्योंकि NCA के खिलाफ ट्रेडिशनल पार्टीज के खिलाफ लोगों में नाराजगी है, लेकिन वो गैम्बल या रिस्क कांग्रेस में लेने की हिम्मत नहीं थी, और हो सकता है वो उल्टा पड़ जाता, भाई अभी तो हम इफ एंड बट, हाइंडसाइट इज द मोस्ट पावरफुल साइट है, बट ऑब्वियसली ये दोनों ने मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में है। बीजेपी को जम्मू से बहुत उम्मीद थी, लेकिन जो भी कहिए मुझे शुरू से लगता था कि इतना सिंपल पोलराइजेशन भी नहीं है कि भाई जम्मू हिंदू वोट बीजेपी को चला जाएगा, फिर तो बड़ा ही सिंपल हो जाए सारा खेल, फिर हमें आपको किसी को जनता पे तो कुछ छोड़ ही नहीं रहे, तो जनता सबसे ज्यादा श्यानी है। नहीं नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा था कि 370 को लेकर जम्मू में भी एक बड़ा सेक्शन है जो खुश नहीं है, और वो नाराजगी क्या इसमें दिखाई दे रही है, 370 की अभी जो ये बात कह रहे थे कि बीजेपी को फायदा हुआ है दल बदलुओं को लाने से, लेकिन देखिए अक्रॉस द कंट्री दल बदलुओं की वजह से बीजेपी कार्डर डिमोरलाइज्ड है, वो हतोत्साहित है, वो नाराज है कि जिंदगी भर तो हमने दरियां बिठाई और कहीं पे अशोक चव्हाण, कहीं पे कोई और, मतलब हर स्टेट में कहीं हेमंता, मतलब हर जगह तो नए लोग आ गए बाहर के, तो ये जो नया भारत, नई बीजेपी, नया ये सब कुछ हुआ है उसमें पुरानी बीजेपी भी हाशिए पे लग गई। अब एक हरियाणा पे बस मैं एक कॉमेंट इंटरेस्टिंग जो मेरे मन में आ रहा है कि अगर सच में 65 टाइप सीट आती है कांग्रेस की तो बीजेपी तो दुखी होगी, लेकिन थोड़ा बहुत परेशान हुड्डा साहब भी होंगे।